देखा गया है कि लोग भारतीय सेना को एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मानते हैं, नौकरी हासिल करने का जरिया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहूंगा कि ये गलतफहमी अपने दिमाग से दूर निकाल दीजिए। भारतीय सेना एक नौकरी का जरिया नहीं है। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। ये नौकरी का जरिया नहीं है। क्योंकि अक्सर मेरे पास कई नौजवान आते हैं कि सर मुझे भारतीय सेना में नौकरी चाहिए। मैं उन्हें यही बोलता हूं कि भारतीय सेना नौकरी का साधन नहीं है। नौकरी लेनी है तो रेलवेज में जाइए, पीएनटी में जाइए, और बहुत से जरिए हैं, अपना ओन बिजनेस खोल लीजिए। अगर भारतीय सेना में आना है तो कठिनाइयों का सामना करने के लिए आपको काबिल होना पड़ेगा, आपको मानसिक और शारीरिक रूप से काबिल होना पड़ेगा। आज बिपिन रावत सर का देह अंत यानी उनके शरीर का अंत हुआ, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे बीच अमर रहेंगे। अगर आप उनकी श्रद्धांजलि के लिए कुछ करना चाहते हो तो एक सच्चा हिंदुस्तानी बनना, उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।